स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो सबसे पहले अभी हम डिस्कस करते हैं, हमने लास्ट तक क्या पढ़ा। तो हमने अभी वेक्टर कैलकुलस हमारा चल रहा है, इसमें टॉपिक जो हमारा सीरीज चल रहा है 250 डेज यूट्यूब प्लान, उसमें हमारा वेक्टर कैलकुलस टॉपिक चल रहा है। तो वेक्टर कैलकुलस में अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने लाइन इंटीग्रल डिस्कस कर लिया, दूसरा दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालना है वो डिस्कस किया, फिर लास्ट लेक्चर में डायवर्जेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको एक जनरलाइज फॉर्मूला लिखाई थी कि जो डायवर्जेंस है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ हो, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल एंड कार्टेशियन, फिर उसमें मैंने एक जनरलाइज फॉर्मूला लिखवाई थी। अभी जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो भी हम डायवर्जेंस का ही लेने जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तरीके में हम डायवर्जेंस की कोई फॉर्मूला होती है, डायवर्जेंस की फॉर्मूला तो मैंने लिखवा दी, लेकिन एक प्रॉपर्टी भी होती है डायवर्जेंस की, वो यूज करके भी हम इसको कर सकते हैं। तो इसको बेसिकली दो मेथड में किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन 2019 में ही आया है, ये क्वेश्चन आया है 2019 में। तो क्या पूछा है, इफ अ वेक्टर ए, यहां पे एक वेक्टर ए दिया हुआ है, दैट इज 2x i कैप प्लस 3y j कैप प्लस 4z k कैप। ये i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x कंपोनेंट, j क्या रिप्रेजेंट करता है, y कंपोनेंट, k क्या रिप्रेजेंट करता है, z कंपोनेंट। ओके, एंड u इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये जो a है वो वेक्टर है, लेकिन ये स्केलर है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या है, रियल नंबर्स की बात हो रही है, यहाँ पे कोई i, j, k ऐसा कुछ भी नहीं लगा है। उससे पता चलता है कि ये क्या है, जो u है वो क्या है, एक स्केलर फंक्शन है या एक सिंपली एक स्केलर है। ओके, देन डायवर्जेंस ऑफ, यहाँ पे पूछा है, देन डायवर्जेंस ऑफ u A एट वन 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 इज डैश। यहां पे ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में बोला है A इज अ वेक्टर, वो सीधा सीधा दिख भी रहा है A इज अ वेक्टर, बिकॉज A में तीन कंपोनेंट है और ऊपर साइन भी, ये A वेक्टर है उसका तो ऊपर साइन से ही पता चल जाता है, जो नोटेशन है उससे ही, I J K। तो वेक्टर का जो यहां पे हम कैसे, उसका सिंबल से ही पता चल जाता है, वेक्टर के सिंबल से, ये एरो से कि ये वेक्टर है, और क्योंकि यू पे एरो ही नहीं लगाया है या बार नहीं लगा, तो यू वेक्टर ने सिंपली यहां से दिख भी रहा है, एक स्केलर है, क्योंकि स्केलर फंक्शन इस फॉर्म में लिखते हैं, जो वेक्टर फंक्शन होता है ये इस फॉर्म में होता है, आई जे के कैप में, एक्स कैप वाई कैप के कैप के फॉर्म में, सिंपल। तो ये स्केलर है, ये वेक्टर है। तो इसने क्या बोला है कि ये जो स्केलर है यू, उसको वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर उसका डायवर्जेंस निकालो, फिर उसका डायवर्जेंस निकालो, सिंपल। ये बात मींस ये स्केलर ऐसा समझ लो कोई रियल नंबर है, उसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो, तो मेथड वर्ड यहाँ पे लगाएंगे, तो सिंपली मुझे डायवर्जेंस किसका निकालना है, यू और ए का। तो मैं बोलता हूं लेट वेक्टर बी इज इक्वल टू यू इंटू वेक्टर ए, यू इंटू वेक्टर ए। हमें पता है किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके सारे कंपोनेंट्स के साथ वो स्केलर क्या हो जाता है, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पे देखो कैसे, u क्या है अपने पास, इसका मतलब u, और वेक्टर a क्या है अपने पास, 2x i कैप प्लस 3y j कैप प्लस 4z k कैप, सिंपल। यहां पे u अपना क्या है, u है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट इज 2x x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 3y इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 4z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दैट्स इट। तो यहां पे ओके, 2x into i cap, 3y into j cap, 4z into k cap, ये अपने पास क्या आ गया, वेक्टर b। हमें क्या निकालना है, वेक्टर b का डायवर्जेंस निकालना है, क्यों, क्योंकि मैंने वेक्टर b को मान लिया u into वेक्टर a। एनी वेक्टर, जब भी किसी वेक्टर को किसी स्केलर फंक्शन के साथ या सिंपली स्केलर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, स्केलर के साथ, उस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहां पे देखो क्या होगा, b वेक्टर हमें मिल गया, अभी b वेक्टर का ही डायवर्जेंस फाइंड करना है, b वेक्टर का ही हमें डायवर्जेंस फाइंड करना है, डायवर्जेंस ऑफ वेक्टर b, डायवर्जेंस ऑफ वेक्टर b क्या होगा, डायवर्जेंस ऑफ वेक्टर b हम निकालेंगे ऐसे, ओके ऐसे नहीं, डायवर्जेंस ऑफ मींस डेल डॉट, डायवर्जेंस ऑफ वेक्टर b दैट इज इक्वल टू डेल bx बाय डेल x
प्लस डेल बी वाई बाय डेल वाई प्लस डेल बी जेड बाय डेल जेड। ओके, इसका मतलब क्या है, जो वेक्टर बी है उसका एक्स कंपोनेंट वेक्टर बी का, वाई कंपोनेंट वेक्टर जेड का विथ रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे ये वेक्टर है, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होता है, जो आई कैप या एक्स कैप का या एक्स कैप का क्या होता है, कोएफिशिएंट। तो आई कैप उसका कोएफिशिएंट क्या है, 2x प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो सिंपल यहां पे क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ 2x, तो यहां पे लिखेंगे 2x into x square plus y square plus z square। तो 2 को बाहर लिख सकते हैं क्योंकि जब भी डेरिवेटिव लेते हैं तो कांस्टेंट को हम बाहर लिख लेते हैं, बाहर रख सकते हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहां पे bx क्या होगा, ये होगा 2x into x square plus y square plus z square। तो मैं क्या लिख सकता हूं, x को अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो क्या लिख सकते हैं, x cube plus xy square plus xz square। नहीं तो मुझे क्या लगाना पड़ता, फिर दो फंक्शन के लिए प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, उससे बचने के लिए मैंने क्या कर दिया, x को तीनों टर्म से इंडिविजुअली ब्रैकेट में क्या कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। सिमिलरली यहां पे भी लिख सकते हैं, यहां पे होगा 3 इंटू डेल ऑफ डेल y, 3 इंटू डेल ऑफ डेल y, और अंदर y को लेके जाएंगे तो क्या होगा, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर। सिंपल, और लास्ट में टर्म आएगा डेल ऑफ डेल जेड, वहां पे कॉमन क्या निकलेगा, ये 4 आ गया जाएगा, अंदर क्या जाएगा, जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब। सिंपल हो गया ये। अभी सिंपली ये जो पूरा टर्म है इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब वाई और जेड क्या होंगे, कॉन्स्टेंट, वाई और जेड क्या होंगे, कॉन्स्टेंट। ओके, तो इसको मिटा देते हैं, इसका कुछ काम नहीं है अभी। तो यहां पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि सिंपल यहां पे फंक्शन था, इसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, सिर्फ u के साथ मल्टीप्लाई करके, बस u के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उसको हमने एक नया वेक्टर नाम दे दिया, फिर उसका bx by bz एक बार डिफाइन हो गया x y z के फॉर्म में, फिर सिंपली हमने डायवर्जेंस की फॉर्मूला लगाने, किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो डायवर्जेंस ऑफ b इज इक्वल टू इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, एक्स क्यूब का क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 तो बाहर है, एक्स क्यूब क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो वहां पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा, मतलब एक तो बचेगा क्या, वाई स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म क्या बचेगा, जेड स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे वाई वाले टर्म का क्या आएगा, आगे आएगा 3, पहले टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब x स्क्वायर कांस्टेंट, तो x स्क्वायर बचेगा क्योंकि डेल y बाय डेल y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेकंड वाले टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, 3y स्क्वायर, लास्ट वाले टर्म का क्या होगा, z स्क्वायर कांस्टेंट है तो डेल y बाय डेल y 1, तो बाकी बचा z स्क्वायर, ये लो हो गया। लास्ट में बचा 4 into, यहां पे z into x स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डेल z बाय डेल z 1 होगा, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डेल z बाय डेल z 1 होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, y स्क्वायर प्लस क्या लेना है, डेल z क्यूब बाय डेल z, इसका क्या आंसर होगा, 3z स्क्वायर, क्या होगा, 3z स्क्वायर। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। तो हमें ये मिला, अभी ये मिला डायवर्जेंस ऑफ बी, लेकिन हमें कौन सी पॉइंट पे फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डायवर्जेंस ऑफ यू वेक्टर ए एट 1 1 1। इसका मतलब जो पॉइंट लेनी है एक्स वाई जेड, हमें क्या कंसीडर करनी है, 1 1 1। ये बात हो गई क्लियर। तो ये डायवर्जेंस तो हमें मिल गया, इधर सिंपली क्या पुट करना है, 1 1 1 1, सारी जगह एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1, जेड की जगह 1। तो हम लिख सकते हैं डायवर्जेंस ऑफ बी एट 1 1 1, हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 1 3 प्लस वाई स्क्वायर ऑफ 1 दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस लास्ट टर्म डेट इज 4 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 3 डेट इज 5। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो क्या आ रहा है, 3 प्लस 1 प्लस 1 5 इंटू 2 10, यहां पे 3 प्लस 1 5 इंटू 3 15 मींस 25, 4 into 5 20 means 25 plus 20 that is 45। तो फाइनल अपना आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आया 45।
डायवर्जेंस ऑफ दिस फंक्शन एट पॉइंट वन वन वन, कौन सा फंक्शन, सॉरी वेक्टर फील्ड बी दैट इज यू इनटू वेक्टर ए, इनटू वेक्टर ए। तो डायवर्जेंस ऑफ बी, हमने बी किसको अज्यूम किया था, बी हमने अज्यूम किया था यू इनटू वेक्टर ए, और ये आ गया 45, ये आ गया 45। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। तो हमें सिंपली यहाँ पे डायवर्जेंस फाइंड करना था, हमने वो फाइंड कर लिया डायवर्जेंस। और सिंपली हमने क्या किया, U एक स्केलर फंक्शन था, उसको हमने वेक्टर A के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। अगर किसी स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स उस वेक्टर के साथ क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो गई मेथड वन, जो सिंपलेस्ट मेथड थी, कोई यहाँ पे कोई मीन्स दिक्कत की बात ही नहीं थी। अभी करते हैं बात मेथड टू की, अभी इसी में ही हम मेथड टू लगाएंगे, देखिए कैसे मेथड टू कैसे यूज होगा। मेथड टू में हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे डायवर्जेंस की। मेथड टू हम ऐसा लिख सकते हैं, डायवर्जेंस ऑफ यू इनटू वेक्टर ए वेयर ए इज स्केलर, ये बात याद होनी चाहिए, वेयर ए इज स्केलर तभी ये प्रॉपर्टी काम आएगी। यू यहां पे ध्यान देना, यू इनटू डायवर्जेंस ऑफ ए प्लस वेक्टर ए इन डॉट, इसका डॉट प्लॉट कर लेंगे विथ ग्रेडियंट ऑफ यू, विथ ग्रेडियंट ऑफ U, फिर यहां पे जो भी रिजल्ट आएगा वो डायवर्जेंस होगा, वहां पे एक्स वाई जेड की जगह पे क्या रख देंगे स्टूडेंट्स, वन वन वन। तो U तो हमें पता है, डायवर्जेंस ऑफ किसका निकालना है, A का, वो भी सिंपली फाइंड कर लेंगे, प्लस वेक्टर A पता है, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेडियंट ऑफ U। तो अभी ग्रेडियंट ऑफ U कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहली बात, जो ग्रेडियंट फाइंड होता है वो हमेशा स्केलर फील्ड के लिए ही फाइंड, ग्रेडियंट डिफाइन हमेशा स्केलर फील्ड के लिए होता है, वेक्टर फील्ड के लिए नहीं होता है। वेक्टर कैलकुलस में ग्रेडियंट सॉरी जब हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं तो ग्रेडियंट हमेशा किसका फाइंड करते हैं, स्केलर फंक्शन का। सपोज स्केलर फंक्शन का, देखो ग्रेडियंट कैसे डिफाइन होता है, सपोज सपोज वी हैव अ फंक्शन, वी हैव अ स्केलर फंक्शन, अ स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन जैसे मैं बोल दू एफ ऑफ, स्केलर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड। तो अगर मुझे ग्रेडियंट लिखना है एफ का, ग्रेडियंट लिखना है एफ का, तो कैसे लिखेंगे, पहले क्या लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी ये मैं कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख रहा हूं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखेंगे आई कैप प्लस डेल एफ बाय डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल एफ बाय डेल जेड इंटू के कैप। सिंपल, ये बात हो गई क्लियर स्टूडेंट्स। तो हमें यहां पे एक बात ध्यान देना है कि ये तो स्केलर था फंक्शन, फंक्शन एफ स्केलर था, लेकिन जब उसका ग्रेडियंट लिया तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वेक्टर में, क्योंकि कौन से कंपाउंड आ गए, आई जे के। इधर एक फंक्शन है स्केलर, उसका विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो एक नया टर्म आएगा, वो आई का कोएफिशिएंट होगा, इसका मतलब ये क्या जनरेट हो रहा है, वेक्टर। तो याद रखो किसी भी स्केलर फंक्शन का जब हम ग्रेडियंट लेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेक्टर में। और जब किसी भी वेक्टर फंक्शन का या वेक्टर फील्ड का हम क्या ले रहे हैं, डायवर्जेंस ले रहे हैं, तो वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, स्केलर में। एक स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लिया तो वो बना वेक्टर, एक वेक्टर फील्ड का हमने क्या लिया, डायवर्जेंस, वो बना स्केलर। और वेक्टर फील्ड का अगर कर्ल लेंगे या किसी भी वेक्टर फील्ड का कर्ल फाइंड करेंगे तो वो वेक्टर ही होगा, वो वेक्टर ही होगा। ये बात हो गई क्लियर। तो डायवर्जेंस ऐसे फाइंड करना है सिंपली। और दूसरी बात, और दूसरी बात, हमने एक टर्म पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, मैंने बताया था कि डायवर्जेंस को जनरलाइज फॉर्म में लिखवाया था कि किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पे भी मैं बता रहा हूं कि ग्रेडियंट कोई भी एक फंक्शन हो तो ग्रेडियंट कैसे फाइंड करेंगे जनरलाइज फॉर्म में। तो लिख दो कि जनरलाइज फॉर्म में ग्रेडियंट निकालना हो किसी भी फंक्शन का, लेटेस्ट से डेट फंक्शन इज फाइव, डेट फंक्शन इज फाइव, तो उसका लिखेंगे वन अपॉन एफ डेल ए यू। यहां पे देखो मैं क्या लिखवा रहा हूं वो ध्यान देना, डेल ए यू, ओके डेल ए यू, अच्छा यहां पे डायरेक्ट फंक्शन आएगा, वो तो जो फंक्शन है फाइ, यहां पे आएगा फंक्शन फाइ विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, पहले किसके करेंगे, डेल यू इंटू यू कैप प्लस वन अपॉन जी इंटू डेल फाइ बाय डेल यू, के बाद आता था वी, वी कैप प्लस वन ओवर एच डेल फाइ बाय डेल डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू कैप।
ओके, तो ये डायवर्जेंस की जनरलाइज फॉर्मूला है। सपोज अपने पास एक स्केलर फंक्शन है फाई, उसका डायवर्जेंस निकालो कोई भी कार्टेशियन सिस्टम में, तो एफ जी एच मैंने सब में लिखवा दिए। जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता है एफ जी एच, तीनों वन होते हैं, तो ये वन अपॉन वन वन, ये भी वन, ये भी वन, और यू की जगह आ जाएगा एक्स, वी की जगह वाई और डब्ल्यू की जगह जेड। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे तो एफ होता है वन, तो यहाँ पे वन अपॉन वन वन, यू क्या होगा रो होगा, यहाँ पे रो के पाएगा, जी क्या होता है आर होता है, तो वन अपॉन आर इंटू डेल फाई बाय डेल, V क्या होगा वहां पे, V होगा अपना फाइव, V होगा फाइव, तो डेल फाइव बाय वो फाइव दूसरा है ठीक है इंटू फाइव के प्लस वन अपॉन एच, एच क्या होता है वन होता है, तो वन अपॉन वन वन इंटू डेल फाइव बाय, और वहां पे लास्ट कौन सा टर्म होता है डब्ल्यू जेड। ऐसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट लिखना हो तो F क्या आएगा स्टूडेंट्स वन, तो वन इंटू डेल फाइव, U क्या आएगा R आएगा, G क्या आएगा R आएगा, और V क्या होगा वहां पे V होगा थीटा, और लास्ट वाला टर्म जो होगा वहां पे क्या होगा लास्ट वाला टर्म H क्या होता है R sin थीटा, और W क्या होता है वहां पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में याद हो तो लिखवाया है मैंने क्या होता है W, W होता है अपना phi, W होता है phi। तो ऐसे ही ग्रेडियंट को भी जनरलाइज फॉर्म में किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लिख सकते हैं। ये बात हो गई क्लियर। तो यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो सबसे पहले जब ये प्रॉपर्टी लगानी है तो मुझे सबसे पहले डायवर्जेंस निकालना पड़ेगा ए का, ए का डायवर्जेंस निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है। फिर मुझे क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से चाहिए यहाँ के लिए, रॉ मटेरियल, ये मुझे अगर फाइंड करना है तो इसके लिए रॉ मटेरियल कौन सा चाहिए, यू पता है, यू हमें दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये अपने पास था यू। वेक्टर ए दिया हुआ था, वेक्टर ए भूल गए क्या दिया हुआ था देखते हैं पेपर में, वेक्टर ए था अपने पास शायद 2x i कैप, वेक्टर ए था 2x i कैप प्लस 3y j कैप प्लस 4z k कैप, दैट्स इट, ये अपने पास था वेक्टर ए। तो यहां पे देखो ये फॉर्मूला के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, u, U पता है, डायवर्जेंस ऑफ ए निकालना है, तो डायवर्जेंस ऑफ ए सिंपली कैसे होगा, डायवर्जेंस ऑफ ए हमें निकालना है, डेट विल बी डेल डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू डेल ऑफ डेल एक्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डेल ऑफ डेल एक्स किसका निकाल रहा है डायवर्जेंस वेक्टर ए का, तो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी, तो यहाँ पे वेक्टर ए इसका एक्स कंपोनेंट कौन सा है आई में, आई कैप का कोएफिशिएंट वो है 2x, सिमिलरली वाई का लिखेंगे डेल वाई डेल ए वाई 3y प्लस डेल 4z विथ रिस्पेक्ट टू डेल z, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा पार्शियल डेरिवेटिव 2, इसका होगा 3, इसका होगा 4, ये क्या आ गया आंसर 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9, तो डायवर्जेंस ऑफ ए क्या आया स्टूडेंट्स 9, जो कि दिख रहा है कि इसका मतलब वेक्टर ए के लिए किसी भी पॉइंट पे डायवर्जेंस 9 होगा, क्योंकि जो डायवर्जेंस आ रहा है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन नहीं है। अभी दूसरा हमें क्या चाहिए, ग्रेडियंट ऑफ यू, हमें क्या चाहिए ग्रेडियंट ऑफ यू, तो ग्रेडियंट ऑफ यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिंपली कैसे फाइंड करना है, जो स्केलर फंक्शन दिया हुआ है उसका पहले पार्शियल डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर पार्शियल डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू फाइव, फिर पार्शियल डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू जेड, सिंपल सिंपल है, यहां पे इसको मिटा दो। अभी यहां पे पहले अप्रोच से आंसर आया था 45, तो इस अप्रोच से देखते हैं क्या आ रहा है आंसर, आंसर तो सेम ही आना चाहिए, ये आइडेंटिटी तो ट्रू है तभी तो हमने लिखी है, नहीं तो क्यों लिखते आइडेंटिटी। तो यहां पे देखो कैसे करना है, ये डायवर्जेंस आ गया ए का 9, अभी यहां पे हमें क्या फाइंड करना है ग्रेडियंट ऑफ यू, हमें क्या फाइंड करना है ग्रेडियंट ऑफ यू, तो ग्रेडियंट ऑफ यू निकालना है, तो क्या लेंगे स्टूडेंट्स डेल यू बाय डेल एक्स, एक्स क्या है यहां पे, यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मैंने ले लिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल यू, यू क्या है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डेल वाई इंटू क्या होगा स्टूडेंट्स जे कैप प्लस प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू जेड, ये क्या होगा अपना के कैप, ये क्या होगा कैप, ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। ओके, तो अभी हम लिखते हैं ग्रेडियंट ऑफ यू, ग्रेडियंट ऑफ यू इज इक्वल टू इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हम क्या कंसीडर करेंगे वाई और जेड कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो,
तो इन शॉर्ट हमें सिर्फ किसका डेरिवेटिव लेना है, एक्स स्क्वायर का, वो क्या होगा 2x i कैप। सिमिलरली इसका क्या होगा, प्लस 2y j कैप प्लस 2z k कैप, दैट्स इट। तो यहां पे ग्रेडियंट ऑफ u मिल गया। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो, डायवर्जेंस ऑफ u वेक्टर है क्या था, u into divergence of a plus dot product of vector a and gradient of u। तो vector a dot product इसका करना है, इसको gradient of u के साथ करना है। इसका मतलब vector a अपने पास क्या है students, 2x i cap plus 3y j cap, 3y j cap plus 4z k cap plus 4z k cap। यहाँ पे game नहीं चल रहा है, okay? 2x रिदम में चल रही है गाड़ी, 2x i cap plus 2y j cap plus 2z k cap। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। ये है वेक्टर a, मैंने यहां से लिया, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके रिस्पेक्ट में, u के, ग्रेडियंट ऑफ u। तो ग्रेडियंट ऑफ u मैंने लिख दिया। अभी जब दो वेक्टर का हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जब दो वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए, उससे पहले वाले लेक्चर में भी देखा था कि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट चाहिए स्टूडेंट, तो क्या करते हैं हम, दोनों वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग x कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो, करस्पॉन्डिंग y कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो, करस्पॉन्डिंग z कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो, और तीनों का क्या कर लो, तीनों टर्म्स का एडिशन कर लो। तो वेक्टर a का x कंपोनेंट क्या है, 2x, वेक्टर ये ग्रेडियंट ऑफ u, उसको वेक्टर b बोल देते। तो वेक्टर b का क्या है x कंपोनेंट, 2x, 2x into 2x इतना होगा 4x square plus 3y into 2y that will be 6y square प्लस 4z इंटू 2z क्या होगा 8z स्क्वायर, दैट विल बी 8z स्क्वायर। ये अपने मिल गया, और सीधी सी बात है ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, स्केलर होता है, स्केलर होता है। आ गया स्केलर, ये ना ये पूरा एक स्केलर है, ये एक रियल नंबर आएगा, x y z की वैल्यू रखो, ये एक सिंपली रियल नंबर आएगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन पहचानना हो स्केलर है या वेक्टर है, तो कोई भी फंक्शन अगर वेक्टर होगा तो वहां पे i j k कैप या x y z कैप आपको दिख जाएंगे, x y z कैप आपको दिख जाएंगे, वो रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ये सिंपली अगर इस फॉर्म में फंक्शन है तो वो क्या है, सिंपली स्केलर फंक्शन, ये स्केलर फंक्शन है, क्योंकि ना तो इसके साथ क्या एसोसिएटेड, i कंपोनेंट, j कंपोनेंट, k कंपोनेंट कुछ भी एसोसिएटेड नहीं है, ये एक सिंपली एक रियल नंबर है, ये सिंपली क्या है, नंबर, रियल फंक्शन। और हम बोल सकते हैं, नहीं रियल फंक्शन नहीं, हम क्या बोल सकते हैं इनको, ये सिंपली स्केलर से रियल नंबर से, दैट्स इट। यहाँ पे डायरेक्शन हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ है, ओके। तो ये अपने पास मिल गया है ग्रेडियंट ऑफ यू। अभी उस फॉर्मूला में सब चीजों को रखना है, उन फॉर्मूला में सब चीजों को रखना है। तो देखिए क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ी थी, हमने फॉर्मूला पढ़ी वहां पे, दैट डायवर्जेंस ऑफ यू इंटू वेक्टर ए इज इक्वल टू यू इंटू डायवर्जेंस ऑफ ए प्लस डायवर्जेंस, सॉरी ए वेक्टर ए इन डॉट प्रोडक्ट इसके साथ ग्रेडियंट ऑफ यू। तो इसका रिजल्ट क्या आया, यू हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और हमारा वो क्या निकला, डायवर्जेंस ऑफ ए क्या निकला, 9 निकला, प्लस इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आया, 4x square प्लस 6y square प्लस 8z square। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर, यहां पे सब क्लियर हो गया, ओके। तो प्लस 9 यहां पे, ये अभी क्या निकालना था, डायवर्जेंस किस पॉइंट पे निकालना था, 111 पे। तो यहां पे सारे हम क्या रख देंगे, 111। तो यहां पे 1 + 1 + 1 327, तो 9 × 327 प्लस 4 31 + 6 + 37 + 8 = 45। तो ये अपना आ गया 45, ये आंसर आ गया 45। तो ये जो आंसर है डेट इज डायवर्जेंस ऑफ यू इनटू वेक्टर ए, इसका आंसर क्या आ गया 45 आ गया, इसका आंसर आ गया 45। तो हमने पहला मेथड देखा उससे भी आंसर 45 आया, दूसरे मेथड से भी आंसर क्या आ गया 45 आ गया। तो सिंपली यहाँ पे इस मेथड को करवाने का एक ही रीजन था कि ये मुझे बताना था कि किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें ग्रेडियंट कैसे फाइंड करना है। वो मैंने जनरलाइज फॉर्मूला लिखवा दी कि किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सॉरी किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में
हमें ग्रेडियंट कैसे फाइंड करना है। दूसरा, दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो किस में रिजल्ट होगा, स्केलर फंक्शन में। किसी भी फंक्शन को पहचानना हो कि स्केलर है कि नहीं है तो वहां पे सिंपली देख लो, वहां पे आई जे के ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है, एक्स के वाई के जेड के, तो वो सिंपली क्या होगा, स्केलर फंक्शन। जब स्केलर फंक्शन हो, जब भी हम फंक्शंस को सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में डील करते हैं, नंबर्स ऐसा बोलो, वो नंबर्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, वहां पे जब डायरेक्शन डिफाइन नहीं करते किसी भी चीज की तो वो क्या होते, सिंपली स्केलर फंक्शंस। ये बात हो गई क्लियर? ओके, तो यहां पे तो ये ऐसे वेक्टर फील्ड्स भी होता है, ये जैसे मैं बोलूंगा ये स्केलर फील्ड है, स्केलर फील्ड है मीन्स फील्ड, ये भी फील्ड, टेम्परेचर, टेम्परेचर इज अ स्केलर फील्ड, और वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर? तो जब मैं मैग्नेटिक फील्ड जब डिफाइन करता हूं, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड बोलूंगा 2 टेस्ला, तो मैं बोलूंगा 2 टेस्ला, बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो वहां पे हमें डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी। जब 3 डायमेंशन है तो वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कहां पे। लेकिन जब स्केलर फंक्शन होगा तो उसमें डायरेक्शन की हम बात ही नहीं करते, हम सिंपली क्या बोलते हैं, ये जैसे कि एक्स वाई प्लेन में हो, बोलो मैं 3 डायमेंशनल प्लेन में हो, एक फंक्शन है एक्स वाई प्लेन में, तो वो फंक्शन है सपोज 2x + 3y, मैं बोलूंगा इसका ओरिजिन पे वैल्यू क्या है, डेट इज 0, 0, और बोलूंगा 0.11 पे क्या वैल्यू है, तो तुम क्या बोलोगे 2 + 3, डेट इज 5, जो हाइट आएगी z, दैट्स इट। वहां पे हम डायरेक्शन मैटर ही नहीं करता। ओके, तो वैसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्केलर फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमने अभी डायवर्जेंस, इस लेक्चर में हमने ग्रेडियंट की भी हमने डेफिनेशन देख ली कि ग्रेडियंट को सॉल्व कैसे करना है मैथमेटिकली। जब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें ग्रेडियंट का ही रोल है, इसलिए मैंने करवाया, क्यों, क्योंकि जो डायरेक्शनल, हमें नेक्स्ट लेक्चर में पूछेगा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है। अभी जैसे डायवर्जेंस की एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताई, ऐसे ही ग्रेडियंट की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है। तो ग्रेडियंट देखो क्या दे रहा है, एक स्केलर फंक्शन था, एक ग्रेडियंट क्या था, एक ग्रेडियंट जब हम कर रहे हैं तो स्केलर फंक्शन का बना रहे हैं, तो स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट क्या है, वेक्टर है, क्या है, वेक्टर। तो जो ग्रेडियंट होता है उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होती है कि जो ये स्केलर फंक्शन है, जो स्केलर फंक्शन है वो कौन से डायरेक्शन में मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा है, वो कौन से डायरेक्शन में मैक्सिमम, उसमें जो इंक्रीज हो रहा है तो वो कौन से डायरेक्शन में मैक्सिमम हो रहा है, वो ग्रेडियंट बताता है। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर? तो यहां हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैक्सिमम इंक्रीमेंट और मैक्सिमम चेंज इन विच डायरेक्शन। तो जब ग्रेडियंट निकालते हैं किसी भी स्केलर फील्ड का, तो वहां पे जो वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो जो वेक्टर बताता है, वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो बता रहा है कि इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, जो स्केलर फील्ड है यू, वो मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा है। और जो वेक्टर की लेंथ है वो क्या बताती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज। ये बात हो गई क्लियर? तो कोई भी जब वेक्टर, जब भी स्केलर फंक्शन, तो ग्रेडियंट क्या बताता है स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट ये बताता है कि वो स्केलर फील्ड कौन से डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज हो रही, मैक्सिमम इंक्रीज हो रही है, और जो वेक्टर की जो लेंथ होगी एट पर्टिकुलर पॉइंट, वो क्या बताएगी कि इस पॉइंट पे मीन्स इस डायरेक्शन में मैक्सिमम इंक्रीमेंट हो रहा है, और जो वेक्टर की जो लेंथ होगी वो क्या बताएगी, मैक्सिमम डेट रेट ऑफ इंक्रीमेंट, डेट रेट ऑफ इंक्रीमेंट। ये हमें बात याद रखना है, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका, ग्रेडियंट का। ऐसे ही फिजिकल सिग्निफिकेंस कर्ल का भी होता है कि एक पॉइंट पे हम वेक्टर फील्ड कितना ट्विस्ट हो रही है वो कर्ल से पता चलता है। अगर ट्विस्ट नहीं हो रही है तो उस पॉइंट पे कर्ल होता है 0, अगर ट्विस्ट हो रही है तो कर्ल क्या होता है, कुछ फाइनाइट वैल्यू आती है, डेट इज नॉन 0। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। तो हमें जब वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है तो हमें किसी की फिजिकल सिग्निफिकेंस में नहीं जाना है, हमें सिंपली मैथमेटिकली जाना है। फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर? तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, फिर लास्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से किसकी बात करेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स पे बहुत मींस प्रॉब्लम अभी आ रहे, आते रहते हैं, तो उसकी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व की बात करेंगे, फिर वेक्टर कैलकुलस को कंक्लूड करेंगे, और
कैलकुलस को भी कंक्लूड करेंगे। और अगर आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हैं तो आप हमारा पेन ड्राइव जी ड्राइव कोर्स परचेस कर सकते हैं, आप प्राइम मेंबरशिप भी परचेस कर सकते हैं। और एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन विजिट अवर वेबसाइट दैट इज genic-education.com। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करते रहिए, अपने टाइम को और बेटर वे में यूटिलाइज कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।